Hi all, I'm Asa. Welcome to Food Love Recipes. आज मैं दम आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ. दम आलू के लिए 10 से 12 बेबी पोटैटोस, 3 टमाटर, 2 बड़े प्याज, 2 हरी मिर्ची, 1 टुकड़ा अदरक का, गार्निशिंग के लिए धनिया, 3 टीस्पून कर्ड, 10 से 12 काजू, हाफ टी स्पून जीरा, 1.5 टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी, 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 3/4 टी स्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टी स्पून गरम मसाला, वाटर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, हींग, ऑयल. बेबी पोटैटोज हमने कुकर में डाल दिए हैं और पानी डाल दिया है. इसको 5 मिनट्स के लिए हम हाफ कुक करेंगे. और अगर आप कुकर में नहीं रखना चाहते हैं तो आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं जस्ट फॉर 3 मिनट्स. बेबी पोटैटोज को कुकर में रख दिया है और इसको हाफ बॉईल करेंगे. विसल भी नहीं आने देंगे. और फिर जब ये बॉईल हो जाएगा, हाफ बॉईल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कढ़ाई में शैलो फ्राई कर लेंगे. जब तक ये कुकर में बॉईल हो रहा है बेबी पोटैटो, तब तक हम प्याज और काजू को शैलो फ्राई कर लेंगे. कढ़ाई हमने पैन रख दिया है गैस पर. इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे. 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे. इसमें ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे. प्याज को हम लोग 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे. फिर उसके बाद हम काजू डालेंगे. प्याज हमारा भुन गया है. अब इसमें हम काजू ऐड करेंगे. काजू को भी थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे. काजू और प्याज का शैलो फ्राई हो चुका है. अभी हम इसको अलग से बाउल में निकाल लेंगे और जो एक्सेस ऑयल है उसको इसमें ही रहने देंगे. आलू भी हाफ बॉईल हो चुके हैं. आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं. कढ़ाई में 3 टीस्पून ऑयल ले लेंगे और इसमें हम आलूओं को शैलो फ्राई करेंगे. आलू जब तक शैलो फ्राई हो रहे हैं तब तक हम टमाटर, मिर्ची और अदरक की प्यूरी बना लेंगे. टमाटर की प्यूरी बन रही है. प्याज और काजू की प्यूरी भी हम तैयार कर लेंगे. प्याज की प्यूरी तैयार हो गई है और ये हमारे आलू भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं. अब इनको हम बाउल में निकाल लेंगे. आलू पे हम नमक स्प्रिंकल करेंगे. एक चुटकी हल्दी डालेंगे और एक चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे जिससे सारे मसाले इसमें मिल जाएं. कढ़ाई में हमने 4 टीस्पून ऑयल लिया है. इसको गरम होने देंगे. एक चुटकी हींग डालेंगे. हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे. जीरा होने के बाद इसमें टमाटर को भी ऐड.
टमाटो प्यूरी को हम लोग 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। टमाटो की प्यूरी भुन चुकी थी, अभी हम इसमें अनियन और काजू का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए पकने देंगे। इसमें हम मसाले डालेंगे, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 3/4 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, सॉल्ट भी ऐड करेंगे अभी। टोमेटो प्यूरी, प्याज की प्यूरी हमारी भून चुकी है, अब इसमें हम दही डाल देंगे 3 टीस्पून और इसको लगातार चलाते जाएंगे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर, इसको पकने देंगे। इसमें हम 2 कप्स पानी डालेंगे, हाई फ्लेम पर पकने देंगे। 5 से 7 मिनट पकने के बाद इसमें हम आलूओं को डाल देंगे। आलू ऐड होने के बाद इसको 5 मिनट्स और पका लेंगे। ये हमारा बॉईल हो गया है, पूरा अच्छे तरह से पक गया है। इसको अब हम गैस ऑफ करके एक बाउल में निकाल लेंगे। दम आलू की सब्जी हमारी रेडी है और अब हम इसको रोटी, पराठा या नान के साथ सर्व कर सकते हैं।